हम चाहते हैं कि महिलाएं जो जेल में बंद हैं या जो पुरुष जेल में बंद हैं, उन सबके लिए करवा चौथ की व्यवस्थाएं की जाए। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, जब ऐसी भावनाएं होती हैं, तो बहुत ही कष्टकारी होती है जिसमें कि फिर पति ना मिल पाए, और जिसमें महिलाएं, आपको पता होगा कि निर्जल, जिसको कहते हैं निर्जला व्रत रखती हैं कि पानी भी नहीं पीती जब तक वो पति का चेहरा नहीं देख लेती हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर स्पेशली जेलों के लिए आदेश दिए गए हैं और वो सभी जिलाधिकारी महोदय को सबको लेटर कल हमने भेज दिया है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो जेल में बंद हैं या जो पुरुष जेल में बंद हैं, उन सबके लिए करवा चौथ की व्यवस्थाएं की जाए। तो ये कल हमने सब जिलाधिकारियों को एक लेटर भिजवा दिया है, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों एक जेल विजिट पे गई थी वहां, तो वहां मैंने देखा कि जो महिलाएं थी उनका कहना था कि मैडम रक्षाबंधन पे भी व्यवस्था होती है, भाई दूज पे भी व्यवस्था होती है, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे भी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन करवा चौथ नहीं मनाई जाती और हमें बहुत तकलीफ है। तो मेरा भी मानना यह है, क्योंकि सनातन धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और जिसमें महिलाएं, आपको पता होगा कि निर्जल, जिसको कहते हैं निर्जला व्रत रखती हैं कि पानी भी नहीं पीती जब तक वो पति का चेहरा नहीं देख लेती हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, जब ऐसी भावनाएं होती हैं, तो बहुत ही कष्टकारी होती है जिसमें कि फिर पति ना मिल पाए। तो मुझे लगा कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि पहले भी त्योहार होते हुए आए हैं, तो अगर इस त्योहार को भी हम वहां मनवा देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शांति मिलेगी, बहुत महिलाएं खुश होंगी, उनके चेहरे पर हंसी आएगी खुशी के मारे। तो इसके लिए मेरे पास कुछ महिलाओं के फोन भी आए धन्यवाद के लिए, भी कुछ जिला अधिकारियों के भी फोन और मैसेज मेरे पास आए कि मैडम ये बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने, और मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि बहुत लोगों को खुशी मिलने वाली है।